रविवार के दिन नेम प्लेट लगाने से जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, उसी तरीके से हमारी अपनी प्रसिद्धि भी चारों दिशाओं में फैलेगी। नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही उपयोगी है और वो है नेम प्लेट, घर की या ऑफिस की नेम प्लेट। यदि वास्तु के अनुसार हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? सुख समृद्धि, मान सम्मान एवं प्रसिद्धि। घर के बाहर लगी नेम प्लेट से मकान मालिक के मालिकाना हक की जानकारी मिलती है। वास्तु के अनुसार लगी नेम प्लेट किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है, वहीं गलत नेम प्लेट बैड लक में बदल जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेम प्लेट को किस दिशा में किस रंग की लगानी चाहिए और किस रंग की नहीं, किस धातु की बनी नेम प्लेट हमको नहीं लगाना है। इसको भी जानेंगे कि नेम प्लेट में लिखा गया नाम और पद, उपाधि, पदवी आपके जीवन में सफलता एवं अच्छा भाग्य लेकर आता है। ये भी जानेंगे कि नेम प्लेट हमें घर में किस दिन लगाना चाहिए। नेम प्लेट कहाँ हो और क्या और कैसे उसमें लिखना है, इसके बारे में जानते हैं। नेम प्लेट घर के बाईं तरफ या दाईं तरफ हो सकता है। इस पर अपना पूरा नाम साफ साफ लिखवाना चाहिए। पद या उपाधि नाम के नीचे एवं कुछ छोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ये हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है। आड़ी तिरछी लिखावट नेम प्लेट में नहीं होनी चाहिए, जिसे पढ़ने में कठिनाई हो, ये ठीक नहीं माना जाता है। नेम प्लेट फिक्स होना चाहिए, इसे हिलना डुलना नहीं चाहिए। इस नेम प्लेट में सर नेम भी हमको अवश्य लिखवाना चाहिए। नेम प्लेट अंग्रेजी में हो तो नाम और सर नेम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी के अक्षर कुछ छोटे होने चाहिए। यदि नेम प्लेट हम हिंदी में लिखते हैं तो सभी में एक रूपता होनी चाहिए। यदि घर में सदस्यों की संख्या अधिक हो तो किसी एक व्यक्ति के नाम से नेम प्लेट नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे में सर नेम वाली नेम प्लेट जैसे गुप्ताज, शर्माज, इस तरीके से नेम प्लेट हमें बनवानी चाहिए। घर यदि बहुत बड़ा है और प्रवेश द्वार एक ही है लेकिन कई परिवार उसमें अलग अलग पोर्शन में रहते हैं, तो प्रवेश द्वार पर सर नेम वाली नेम प्लेट और अपने अपने पोर्शन में अपने नाम की नेम प्लेट हम लगा सकते हैं। नेम प्लेट जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि अगर भवन एक मंजिल का है तो उसके आधे ऊंचाई पर होना चाहिए। यदि हम लिफ्ट का प्रयोग करके अपने घर में पहुंचते हैं तो लिफ्ट से निकलते समय ठीक सामने नेम प्लेट नहीं पढ़ना चाहिए। ये बाईं तरफ या दाईं तरफ हो तो कोई समस्या नहीं है। नेम प्लेट का रंग किस तरीके से होना चाहिए, इसको भी जानते हैं। दिशा के हिसाब से नेम प्लेट का रंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा काले रंग की नेम प्लेट हमें नहीं बनवानी चाहिए। नेम प्लेट पर चिपकाए गए अक्षर, जैसे ऊपर से नेम प्लेट पर अक्षर चिपका के जो नेम प्लेट बनती है वो दुर्भाग्य का सूचक है, इससे हमको बचना चाहिए। प्रवेश द्वार पे जब भी कोई आगंतुक आता है तो नेम प्लेट और गेट को देखते हुए जो उसके दिमाग में पहला इम्प्रेशन पड़ता है वह बहुत लंबे समय तक काम करता है। अतः नेम प्लेट का रंग बहुत सावधानी से हमको चुनना चाहिए। जानते हैं दिशा के हिसाब से रंग का चयन कैसा होना चाहिए, किस दिशा में कौन से रंग की नेम प्लेट हमें लगानी चाहिए, इसको हम जानते हैं। पूर्व दिशा में सुनहरे, गोल्डन या नारंगी रंग की, पश्चिम दिशा में सफेद या हल्के पीले रंग की, उत्तर दिशा में हल्के आसमानी या सफेद रंग की, दक्षिण दिशा में बैंगनी, भूरे या गहरे रंग की,
उत्तर पूर्व दिशा में सुनहरे, पीले या क्रीम कलर की, उत्तर पश्चिम दिशा में हल्के रंग या नीले रंग की, दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्के भूरे या गुलाबी रंग की, दक्षिण पूर्व दिशा में पीले या केसरिया रंग की नेम प्लेट हमें लगवानी चाहिए। तो ये तो हो गई किस रंग की हमें नेम प्लेट लगानी है। अब जानते हैं नेम प्लेट से के साफ सफाई के लिए हमें क्या करना है। नेम प्लेट के आसपास के स्थान में कूड़ा, गंदगी, झाड़ू नहीं रहना चाहिए। नेम प्लेट कहीं से टूटी भी नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट कहीं से ढीला भी नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट पर धूल, गंदगी ये भी नहीं रहने देना चाहिए। नेम प्लेट लगवा कर हमको भूलना भी नहीं है, इसकी साफ सफाई का ख्याल भी हमको रखना चाहिए। नेम प्लेट पर पशु पक्षियों की फोटो या देवी देवताओं की फोटो या चित्र बिल्कुल भूल कर भी नहीं बनवाना चाहिए, ये वास्तु सम्मत नहीं माना जाता है। आपकी नेम प्लेट जितनी चमकेगी उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकेगी, नहीं तो गंदगी रहने पर दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ेगा। शुभ प्रतीक चिन्ह नेम प्लेट पर हम बनवा सकते हैं। नेम प्लेट यदि दरवाजे पर लगाते हैं जो खुलता और बंद होता है तो आर्थिक स्थिति में और स्वास्थ्य में अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। नेम प्लेट के साथ यदि हम क्रिस्टल बॉल लटका दें तो घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश बंद हो जाता है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और घर में ये पॉजिटिविटी प्रवेश करती है जिससे घर के लोग बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। अब देखते हैं किस दिशा में कौन सी नेम प्लेट हमको बिल्कुल भूल के नहीं लगवानी चाहिए। तो पूर्व दिशा में लोहे से बनी नेम प्लेट, पश्चिम दिशा में तांबे से बनी नेम प्लेट, उत्तर दिशा में पीतल से बनी नेम प्लेट, दक्षिण दिशा में प्लास्टिक से बनी नेम प्लेट, उत्तर पूर्व दिशा में तांबा, लोहा या काले रंग की नेम प्लेट, उत्तर पश्चिम दिशा में काले लोहे से बनी नेम प्लेट, दक्षिण पश्चिम दिशा में तांबे से बनी नेम प्लेट, दक्षिण पूर्व दिशा में स्टील से बनी नेम प्लेट भूल के भी हमको नहीं लगाना चाहिए। अब देखते हैं कि नेम प्लेट हमको घर में कब लगाना चाहिए। चूंकि नेम प्लेट हमारी प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ है तो इसको रविवार के दिन लगाना चाहिए। रविवार के दिन नेम प्लेट लगाने से जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है उसी तरीके से हमारी अपनी प्रसिद्धि भी चारों दिशाओं में फैलेगी। अतः नेम प्लेट को हमें रविवार के दिन, संडे के दिन लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी नेम प्लेट से संबंधित। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे आपके अपने भी इससे लाभ ले सकें। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।